नगर पालिका विद्युत प्रभारी व नगर पालिका उपाध्यक्ष ने धार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने बताया कि राजस्व बकाया होने से कंपनी को सील कर दिया गया, बावजूद इसके कंपनी चालू है और बिजली का उपयोग भी कर रही है। नगर पालिका विद्युत प्रभारी सुभाष जायसवाल, नगर पालिका उपाध्यक्ष ने धार कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए बताया कि पीथमपुर में 33,000 किलोवाट की लाइन रहवासी क्षेत्र से होकर गुजर रही है एवं रहवासी क्षेत्र में यूनिवर्सल कंपनी संचालित हो रही है। 33,000 किलोवाट लाइन का उपयोग इसी कंपनी में हो रहा है, जिससे क्षेत्र में लगातार करंट लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को बताया कि राजस्व विभाग का बकाया होने से कंपनी को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था, बावजूद इसके कंपनी में विद्युत सप्लाई हो रही है, जो कहीं ना कहीं क्षेत्र में बड़े हादसे को भी निमंत्रण दे रही है। समय रहते प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है तो भविष्य में बड़ी घटना हो सकती है। हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय से मांग की है कि हाई टेंशन लाइन तत्काल बंद की जाए, क्योंकि पूर्व में भी 5-6 लोगों उसमें हताहत हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति को करंट लग चुका है, क्योंकि रहवासी क्षेत्र के अंदर हाईटेंशन लाइन का होना बहुत ही खतरनाक है। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सल कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक राड बनाती है, जो रहवासी क्षेत्र के बीचों बीच है, ये भी हमने मांग की है प्रशासन से कि यह तत्काल बंद होना चाहिए। जयनगर कॉलोनी, यूनिवर्सल कॉलोनी, छत्रछाया कॉलोनी के बीचों बीच जो उद्योग फैक्ट्री सालों से चल रही है, ये बंद होना चाहिए। ये हमने कलेक्टर महोदय से मांग की है।